भाई साहब झरना एक नंबर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इरफान भाई, रुक जाओ बस बस। मेरे को तो फील होने लग गया भाई, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे। क्या बोलते हो इरफान भाई, ऑफ रोडिंग चालू हो गई अपनी सच पास के लिए। ट्रेंड ड्राइवर चला गया सच पास के लिए, तो इरफान भाई ने अपनी कमान संभाल ली। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड पे इरफान भाई गाड़ी चलाई है आज। रोड कुछ ऐसा है सामने आ रहे, देखो बहुत ही खतरनाक और स्टीप ऑफ रोडिंग है, बहुत ज्यादा स्टीप। पर हमारी गाड़ी के लिए कोई लोड की बात नहीं भाई, लाया गाड़ी इससे बेहतर और क्या हो गया। खतरनाक नहीं चल रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंजन को पावर लगाना है। नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन काफी स्टीप है। जो भी हम ऊपर चढ़ रहे हैं अभी, हम कैमरे में दिखता नहीं लगता नहीं है, और सामने तो भाई माहौल खराब है भाई ऊपर का। ये देखो इरफान भाई, फुल पावर, माहौल खराब है भाई। अगर अंधेरा हो गया तो कहीं भी टेंट लगा लेंगे अपना, और क्या देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने पास सारा सामान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सामने कुछ ये नज़ारा मिला है, वो सामने दो झरने बह रहे हैं भाई, बड़े बड़े झरने। मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन शॉट के साथ, क्योंकि जो हम आंखों से देख पा रहे हैं ना, वो फ़ोन तो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ड्रोन ज़रूर दिखा सकता है थोड़ा बहुत। फुल पावर झरने, अपने ड्रोन शॉट दिखेंगे। आई होप आपने एंजॉय करे होंगे यार ड्रोन शॉट, बहुत ही मतलब इस बार अलग ही ड्रोन शॉट्स आने वाले हैं, क्योंकि हाइट बढ़ा दी ना सर, 120 मीटर तक ले जा रहे हैं हम ड्रोन को, फुल बादलों में पहुंचा दिया था भाई। कमेंट्स में तो बताना पड़ेगा यार कि मतलब इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो मतलब कमेंट्स में बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सच पास पे हाफ टी शर्ट में जा रहे हैं। हाँ भाई, अभी तक तो हाफ टी शर्ट ही पहनी हुई है, देखते हैं अब अभी जाके कितनी लेयर की जैकेट्स पहनेंगे। नैरो रोड्स हैं काफी, आगे लो पहले।
लो आगे लो, फिर पीछे दबा लेना यहाँ पे, पहले आगे ले लो, बस आ जाओ, आ जाओ अरफन भाई आ जाओ। अब ऐसे काट लो पूरा, ऐसे पूरा काट लो, पूरा पूरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरफन भाई, रुक जाओ बस बस हो गया, आ जाओ भाई। ये प्रॉब्लम है भाई यहाँ पर ना, और ये है वो लास्ट जगह जहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल सकता है आपको, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। चलो अरफन भाई, रास्ता इतना खराब है भाई, इतना खराब है, बस क्या बताऊँ आपको, लेकिन एडवेंचर है भाई, फुल एडवेंचर। कहाँ गए तुम? आसमान से भी ऊपर भाई, बहुत डिफरेंस है भाई, जो पेड़ वाले पहाड़ थे भाई, ये पहाड़, ये जो पहाड़ है ना सच पास है, बहुत ऊंचा यार, बहुत ऊंचा। एग्जैक्ट मेरे को हाइट तो पता नहीं है कि सच पास कितनी हाइट पर है, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है 14,000-15,000 फीट के लमसम में होगा। सामने का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई सामने के नज़ारे भाई साहब, गाड़ी तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्सॉन गया वो भाई, गाया वो भी अभी वही चल रही है, गाजियाबाद से है भाई बंदा, गाजियाबाद से ही है भाई नेक्सॉन, फुल पावर। अरे माधुरी मुझे ऐसा लग रहा है ये आने वाला था, सचमुच आने वाला है, बर्फ के बड़ी बड़ी दीवारें थी शायद मेल्ट हो गई हो बर्फ में, किसी मशीन की गाड़ी में टच होने से नीचे, पर ठंड नहीं है उस हिसाब की, हाँ यार ठंड नहीं है भाई, ठंड होनी चाहिए, पर मे भी रात में हो जाएगी ठंड अच्छी तरह से, क्योंकि अभी भी ठंडा ही है, नेक्सॉन वाले वो तो नहीं जो सनरूफ में सवार नहीं होते, वही 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 भाई हमारा सच पास भाई आ गया, सच पास आ गया भाई, सच पास भाई साहब, भाई फाइनली रीच्ड सच पास, सच पास कांग्रेचुलेशंस, यू आर एट सच पास, एलिवेशन 14,482 फीट भाई, पांगी टूरिज्म। इरफान भाई जनता जानना चाह रही है कैसा लगा सच पास सबमिट करके, कमर तोड़ सबमिट करो, कमर तोड़ सबमिट, ज्यादा देर खतरनाक रास्ते पे हम चले नहीं है, लेकिन भाई कमर पूरी है। चलो बाहर उतर के देखते हैं, ठंड तो नहीं है भाई, बात हवा थोड़ी डालनी पड़ेगी, हवा तो है भाई। आप तो भाई फाइनली पहुंच गए सच पास, और ये हाइट है इसकी, तो इतना बैठता है ये 14,482 फीट। हवा चलने की वजह से ना थोड़ा सा रुकने का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, और भाई मौसम ने तो जो अंगड़ा ही लिया ना भाई, ये सच पास है, ये शायद माता का मंदिर है भाई, सच पास पे ये मंदिर है भाई।
ओहो ये देखो भाई साहब एक नंबर, ये शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग बना हुआ यहाँ पे, ये माता का मंदिर है कोई। फुल पावर ब्लॉगिंग होती है सामने, भाई नेक्सॉन की बैटरी डाउन हुई है, ये भाई जा रहे थे गाजियाबाद से, क्या सीन है, वायर तोड़ रहे हैं तो गाड़ी से बैटरी से टो करेंगे ना, टोचन टोचन बोलते हैं, जंप स्टार्ट करेंगे भाई। आवाज हवा आ रही होगी यार, थोड़ा सा टूट गया भाई, बना दो गाड़ी लेके मजा आ जाएगा, मजा फुल आएगा भाई।